बाबा के स्थान पर गए हुए थे। बाबा हरिवंश महाराज के मंदिर पहुंचे थे तो वहाँ सोमवार का दिन था। साल का पहला दिन था इसलिए वहाँ बहुत सारे लोग फूल पत्ती चढ़ाए हुए थे। हम लोग वहाँ पहुँच करके बाबा के मंदिर से पहले फूल पत्ती की साफ़ सफाई किया, इसके बाद मंदिर की धुलाई की और फिर वहाँ धूप दीप पूजन अर्चन किया। मैं और मेरा बेटा भी साथ में था, दोनों लोग गए हुए थे मंदिर में। मंदिर में पोछा किया, झाड़ू पोछा दोनों लोगों को मिलकर उसको साफ सफाई किया उसका। सोमवार के दिन बाबा परमहंस जी के स्थान पर बहुत सारे लोग आते रहते हैं क्योंकि वहाँ शंकर जी का मंदिर भी है और दिन सोमवार रहता है तो बाबा परमहंस के स्थान पर वैसे ही सब लोग जाया करते हैं क्योंकि परमहंस बाबा महाराज एक सिद्ध पुरुष थे। ऐसा माना जाता है कि परमहंस बाबा के स्थान पर जो कोई व्यक्ति जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पर बाबा पर विश्वास होना चाहिए, विश्वास में ही फल है। हम लोग हर सोमवार को तो नहीं जा सकते हैं लेकिन महीने में एक दो बार जरूर जाते रहते हैं और वहाँ पहुँच के बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ का दृश्य भी बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ एक दो घंटे बैठने का मन करता है, कभी कभी थोड़ा समय रहता है तो हम लोग वहाँ थोड़ी देर बैठ करके आराम करते हैं, इसके बाद आते हैं। बाबा परमहंस जी ऐसा बताया जाता है कि बहुत इनका मंदिर बहुत ही दिन काफ़ी दिनों का है और ये एक सिद्ध पुरुष थे जिसको जो बोल देते थे उसके साथ वो हो जाया करता था। तब से ये धार्मिक परंपरा चली आ रही है और सारे लोग उसको बड़े श्रद्धापूर्वक निभा रहे हैं। सोमवार के दिन हम लोग सुबह से ही बहुत उधाव लेते कि आज साल का पहला दिन है और हम बाबा के स्थान पर ज़रूर जाएंगे। साथ में मैं अपने भैया को भी साथ में लेकर गई थी और वहाँ मंदिर की सफाई करके मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि जीवन की सारी खुशियाँ मुझे मिल गई हो। बहुत अच्छा लगता है भगवान प्रभु को भोलेनाथ की सेवा करने में। दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को देख करके कमेंट करके बताइए। दोस्तों आप लोग बताइए कि भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी चाहिए। मुझको इतना कुछ ध्यान नहीं है लेकिन जो कुछ आता है मैं उल्टा सीधा करती रहती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या क्या और कैसे करना चाहिए। हम लोग भोलेनाथ में जल दूध शहद घी आदि से भगवान का अभिषेक करके इसके बाद दीपक जला के और प्रसाद चढ़ा के ध्यान करते हैं। नंदी बाबा के पास बैठ करके भगवान को धूप दीप करके फिर थोड़ी देर वहाँ बाबा परमहंस बाबा के स्थान पे बैठ के आराम करते हैं क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है वहाँ बैठ करके। बैठने से आत्मा को सुकून मिलता है। फ्रेंड इस मंदिर जाते हैं और आप
को भी बोल रहे हैं कि आप लोगों को भी मंदिर, अपने पास के मंदिर में जाना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, कुछ ही क्षण भगवान के लिए निकालना चाहिए। भगवान की कृपा से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं और किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। जय जय श्री राम, हर हर महाकाल। इस समय ठंडक भी बहुत पड़ रही है, फिर भी हम लोग जाते हैं सुबह सुबह, कोशिश करते हैं जहाँ तक होती है कि हम लोग मंदिर पहुँच जाएं और आप लोग को जो कुछ हम लोग करते हैं आप लोगों को दिखाएं। 4:00 मेरा बाबू भी छोटा है, उसको भी साथ लेके जाते हैं तो वीडियो वगैरह बनाया करता है, और वो भी वहाँ भगवान को थोड़ी बहुत ध्यान करता है। इसके बाद वो बच्चे होते हैं, उनको अच्छा लगता है साथ जाने में, इसलिए हम उनको साथ ले जाते हैं। और भगवान से बोले, परमहंस बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि हमारे बच्चे को सद्बुद्धि दें और आगे चल करके भी वो अपना कुछ उन्नति करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम शिवाय नमः। हाथ नीचे करो तो वीडियो बनेगा।